शुरू की थी तो ये सोच रहे थे कि एक कम बजट में एक अच्छी फिल्म कैसे बनाए हम लोग। तो हमें लगा कुछ सोशल कॉज करें हम लोग, तब जाके एक अच्छी फिल्म बन सकती है। तो हमें मालूम पड़ा कि ना, जब पेपर खोलो तो लिखा था सुसाइड सुसाइड सुसाइड, इसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया। तो ये आइडिया इंदर जी का था कि हम क्यों ना सुसाइड का पिक्चर बनाए। तो हमने सुसाइड का मजाक बनाने के लिए हमने इसकी फिल्म बनाई, फटी पड़ी है यार। फटी पड़ी है यार का मतलब ये है कि जब भी हम चादर के आगे पैर फैलाते हैं हम लोग, तो हमारे लिए फिर ऐसा होता है यार फटी पड़ी है यार, मुंह से निकलता है। चाहे अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, जो चादर के बाहर पाँव निकालेगा कोई बात हो जाएगी तो वो कहेगा यार फटी पड़ी है यार। तो हमने उसको पकड़ा, उससे पूरी कहानी बना डाली हमने। और आज ये कहानी आप लोग हमारे साथ बैठ के देखेंगे, हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ हमने ये पिक्चर बनाई है, जिसमें इंदर जी हमारे मेन लीड में हैं, कुलदीप सरीन जी हैं, इनको आपने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा, रंगून में थे, डॉन में थे, अभी थोड़े दिन पहले इनकी फिल्म आई है सांड की आँख, काफ़ी हिट हुई है फिल्म इनकी अभी, और लाइन से 5-6 फिल्में हमारी फिल्म के साथ इनके बड़ी बड़ी कास्ट में आ रही इनकी। पलई भाभी हैं, ये इंदर जी की वाइफ हैं। जब हमारी फिल्म बना रहे थे, जब पोस्ट में पिक्चर पहुँची, तो आप सबको मालूम होगा कि अचानक इंदर जी हमारे को छोड़ के चले गए। तो उसके बाद भाभी ने भागदौड़ संभाली हमारे साथ, और पूरा आज जुड़ के हमारे साथ इस जगह पे हम लोग पहुँचे हैं। तो भाभी का थैंक्स है कि हम लोग आज मिलके इंदर का सपना पूरा कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट एक्चुअली आया था इंदर के पास, सो इट वाज कम्प्लीटली हिज कॉल। उसको कहानी अच्छी लगी थी, बट उसके बाद क्या हुआ कि वी वर एक्चुअली फ्रॉम बिफोर हैंड ओनली वी वांटेड टू ओपन अ ओन प्रोडक्शन हाउस। सो ही सेड कि चलो इस बहाने वी विल ओपन अ प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो ऑन आर डॉटर्स नेम। तो इट जस्ट फॉलोड दैट वे, नथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट। मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि ये पिक्चर जब से शुरू हुई एंटिल हिज डेथ, इससे काफ़ी नेगेटिव ही मिला है, बट इट वॉज अ सीन ऑफ द मूवी। एंड यू नो आई थिंक प्रेम जी विल आंसर बेटर, बट मिसफॉर्चून हो गया, बट आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी टू इट। And you know, everybody declared Inder to be suicidal, and you know, it was majorly affecting the family a lot. Because you know, it बहुत मेहनत लगती है इज्जत कमाने में, और एक छोटी सी गलती की वजह से सारी इज्जत अगर पानी में चले जाए after the death of that person, so it's very depressing. So that act was really, really very nasty, and we had to go through a lot. और आज मालूम पड़ेगा आपको कि ये जो कैरेक्टर उन्होंने किया था, वन टेक शॉट है उनका, ये वो किस लेवल का कलाकार था आज हमको मालूम पड़ेगा जब आप फिल्म देखेंगे। जब हम नवरस की बात करते हैं ना, नवरस कि हास्य रोना, भय पैदा होना, ये सब कुछ होना, आप फिल्म देखते रहेंगे ना, आपके अंदर भी 9 तरीके के रस अंदर अलग तरीके के आएंगे। कभी आप मुस्कुराओगे, कभी आप हंसोगे, कभी आप टेंशन में आ जाओगे। हो गया रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इंदर कुमार के कारण। उन्होंने जो वैरायटी दी थी ना, अगर भगवान करे सच में अगर फिल्म अगर सही तरीके से रिलीज होती है, सब कुछ अच्छा मिलता है हमारे को, तो कोई शक नहीं है कि इंदर अवार्ड लेके जाएगा इस फिल्म के लिए। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगी कि वो सीन लीक हो गया, उसी को प्रूव करने के लिए आई डिड नॉट गिव अप। दैट वॉज द मेजर रीजन वाई आई वॉन्टेड टू रिलीज दिस मूवी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर मोहन सचदेव हु केम फॉरवर्ड, and he is also attached to this movie because of the emotional attachment he had with Inder from before. So aap jante ho is industry mein itna challenging hota hai, jab main star hi guzar jaye to you know publicity kaise karenge sab kuch, to ek daav khelta aadmi, to wo emotional base pe us aadmi ne kuch bhi nahi socha, wo bola chalo main invest karta hu aur main picture release karta hu, jo hoga dekha jayega. So you know, hats off to that person, yes, who came forward. Otherwise I don't have any hold in the industry where I can go and force people ki bhai ye mere husband ki last movie, aap isko release karo, after so much of negative publicity he got from that scene. But I think Inder is watching me from somewhere, and Mohan ji is a messenger jo aaye, aur he's taken the responsibility. So now I only request the audience that you know, just keep this in mind that person is gone, and appreciate his work,
बिकॉज उसने बहुत मेहनत की है एंड कम्प्लीटली दूसरा अवतार है. आपने इंदर को सिक्स पैक्स के साथ देखा होगा, आपने इंदर को चॉकलेटी हीरो देखा होगा, लेकिन एक परफॉर्मेंस जिसमें ना बॉडी है, ना लुक्स है, ना कॉस्ट्यूम है, ना कुछ है, द ओनली थिंग विच टॉक्स इन दिस मूवी अबाउट हिम इज हिज एक्टिंग. सो मार्वेलस एंड आई वॉन्टेड द वर्ल्ड टू सी दिस बिकॉज आज के दिन भी इंदर के बहुत सारे फैंस हैं जो मुझे फेसबुक पे मैसेंजर पे मैसेजेस भेजते हैं, मैम आपने बहुत पहले बोला था फटी पड़ी है यार आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है. नाउ इफ़ यू चेक माय प्रोफाइल देयर एवरीबडी इज एक्साइटेड टू वॉच द मूवी. लेट्स जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड हिज कैरेक्टर इज माइंड ब्लोइंग. जस्ट टेक यू टू अनदर लेवल ऑफ लाफ्टर. So, you know, I want you guys to concentrate on his character also. मैं भी खुश नसीब हूँ इस मामले में कि जैसे इस फिल्म में इंद्र कुमार की एंट्री हुई और जब मैं इनको सिर्फ सुनाता था कि सर आपको ये करना है और जब परफॉर्म करता था ना तो मैं ऐसा रो जाता था कि यार ये क्या खतरनाक एक्टिंग कर रहा है, क्या काम कर रहा है ये. तो उस बंदे आज अगर आप फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि क्या मैंने अच्छा डायरेक्शन दिया है. नहीं, उस बंदे की खूबसूरती है, उसने जो कमाल का काम किया है और उससे उस चक्कर में आज मेरा नाम हुआ कि आपने क्या अच्छा डायरेक्शन दिया. और ऐसे ही कुलदीप सरीन जी हैं जिन्होंने फिल्म में बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है. आप देखोगे तो एक हिलेरियस नए तरीके का कैरेक्टर निकला इनका. शायद ये फिल्म रिलीज होगी तो इनका नाम जो कुलदीप सरीन है वो लोग बदल के जो फिल्म में नाम है इनका गुलाटी, शायद लोग गुलाटी गुलाटी बोलना शुरू कर देंगे कल से लेके इनको. मज़ेदार किरदार मतलब ठीक है, एक स्टेट एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर आदमी है, वो बैक ऑफ द पीछे है, बट फिल्म के अंदर दिखता है ओनर है, मकान का मालिक है जिसका इंदर के साथ में कुछ. आपने भी अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर ऐसा किया नहीं. ऐसा रोल मैंने आज तक इस तरह का आज तक रोल इस तरह का किया नहीं है. और चांस की बात है, चीज़ें टीम एक्चुअली आपको बहुत इंस्पायरिंग मिल जाती है. डायरेक्टर आपके साथ होते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं कि आप अच्छा काम करिए. तो वो एक ट्यूनिंग बन गई थी इंदर के साथ में, डायरेक्टर के साथ में, तो एक हेल्दी माहौल में आप फिर बेहतर काम करते हैं. तो वो एक करने की कोशिश की तो चीज़ें अच्छी हो गई. और अच्छी बात है कि क्योंकि कॉमेडी फिल्म के अंदर अगर टाइमिंग के ऊपर सही शॉट लग जाए तो वो सिक्स ही लगता है, तो वो शायद ऐसा हो गया. तो जैसा कि ये कहते हैं काफ़ी सारे शोज़ किए इन्होंने तो आउटपुट जो ऑडियंस का आया वो थोड़ा सा ठीक ही आया. और मेरे लिए अच्छी बात है कि ठीक है, कॉमेडी में आने आज तक किया नहीं था फिल्म में. मज़ेदार किरदार मतलब ठीक है, एक स्टेट एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर आदमी है, वो बैक ऑफ द पीछे है, बट फिल्म के अंदर दिखता है एक ओनर है, मकान का मालिक है जिसका इंदर के साथ में कुछ. आपने भी अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर ऐसा किया नहीं. ऐसा रोल मैंने आज तक इस तरह का आज तक रोल इस तरह का किया नहीं है. और चांस की बात है, चीज़ें टीम एक्चुअली आपको बहुत इंस्पायरिंग मिल जाती है. डायरेक्टर आपके साथ होते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं कि आप अच्छा काम करिए. तो वो एक ट्यूनिंग बन गई थी इंदर के साथ में, डायरेक्टर के साथ में, तो एक हेल्दी माहौल में आप फिर बेहतर काम करते हैं. तो वो एक करने की कोशिश की तो चीज़ें अच्छी हो गई. और अच्छी बात है कि क्योंकि कॉमेडी फिल्म के अंदर अगर टाइमिंग के ऊपर सही शॉट लग जाए तो वो सिक्स ही लगता है, तो वो शायद ऐसा हो गया. तो जैसा कि ये कहते हैं काफ़ी सारे शोज़ किए इन्होंने तो आउटपुट जो ऑडियंस का आया वो थोड़ा सा ठीक ही आया. और मेरे लिए अच्छी बात है कि ठीक है, कॉमेडी में आने आज तक किया नहीं था फिल्म में कॉमेडी. अरे मैम, इसके अलावा सलमान जो है इंदर के बहुत अच्छे दोस्त रहे, बिग बॉस चल रहा है, क्या कोई प्लान है बिग बॉस में जाके प्रमोट करने का, या फिर कुछ बातें हुई अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहिए? पिक्चर कल रिलीज पे है एंड सलमान भाई के लिए तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है इस पिक्चर से, और कोई प्रमोशन की बात नहीं है. जैसे मैंने आपको कहा, प्रमोशन हाई लेवल पे तब की जाती है जब मेन कैरेक्टर जिंदा रहता है. तो अगर मैं चाहती भी तो मैं वहाँ जा सकती थी, ये जा सकते थे, पर हम जाके बोलते क्या, दो लाइनें बोलते वापस चले जाते. तो उस तरीके का था नहीं. जैसे मैंने आपको बोला, वी टेकन अ वेरी बिग रिस्क टू गेट दिस मूवी टू दी स्क्रीन. सो यू नो, हम उस लेवल पर जाना भी नहीं चाहते थे. And you know, I have kept that away from this film. ये entirely different setup है and Salman bhai has got nothing to do with it. एक चीज, पांच गाने हैं. एक हमारे जो प्रमोशनल सॉन्ग था जो हमारे को इंदर जी के साथ ही करना था, तो सच्ची बात तो ये कि वो लेवल पे हम पहुँचने वाले थे कि हम किस लेवल जाके उसको शूट करने वाले थे, लेकिन अचानक भाभी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसी बात हो गई है,
तो वो प्रमोशन साहब हमारा हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी हमने उसे ट्रिब्यूट देते हुए गाने को रखा है फिल्म के अंदर, जो लास्ट में टाइटल्स में चल रहा है या शुरू में चल रहा है वो, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस गाने को कल परसों तक मेकिंग के हिसाब से बना के ना एटलीस्ट हम लोग मार्केट में लेके आ जाएँ, जिसमें इंदर के बारे में मालूम पड़े कि यार क्या, मतलब एक ही गाने में मालूम पड़ जाएगा कि वह यार क्या कमाल का काम किया उन्होंने। तो पांच गाने हैं, पांचों एक रोमांस वाले गाने हैं जो हमारी तीन हीरोइन थी उनके साथ गाने हैं, और बहुत खूबसूरत प्यारे मेलोडी वाले हैं। आज आप देखेंगे फिल्म तो आपको शायद गानों को बहुत सुकून मिलेगा। म्यूज़िक अच्छा है, सॉन्ग अच्छे हैं इस फिल्म के, बस वही वाली बात है। और अभिनय की जब जो बात आप लोगों के सामने आ रही है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपलिसिटी के साथ में उन्होंने, इंदर जी ने काम किया है। मतलब आज उनके बिना सचमुच बहुत अधूरा बन सा लगता है। आज वो नहीं है इंदर, as he said, all the three ladies in the movie, they have worked really hard. मतलब it was all new to them, but वो effort होता है ना, effort कैसे लड़ाते हैं and किस चीज़ को कैसे deliver करते हैं, because हम लोग सब कोई इतने स्पैन ऑफ टाइम में काम कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये पिक्चर इतना लार्ज स्केल पे चली जाएगी। सब कुछ हो एंड एवरीथिंग वाज फॉलोइंग इन प्लेस, सो व्हेन दीज थ्री लेडीज वर्कड इनटू द मूवी दे गेव देयर बेस्ट, एंड वो आपको दिखेगा स्क्रीन पे। मतलब बहुत ऑनेस्टली काम किया है, इमोशनल है, बट मैं एक ही फैक्ट से बहुत खुश हूँ कि जब मैं ये देखती हूँ कि आज भी लोग इंदर को मिस करते हैं, तो थोड़ी मेहनत ही लगी, लेकिन फाइनली आई कुड गिव व्हाट हिज फैंस वांट, क्योंकि ये लास्ट मूवी थी और बहुत इमोशनल भी था और बहुत चैलेंजिंग भी था। पर पहले मैंने सोचा था कि नहीं हो पाएगा, बट देन कहते ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज आती है, सबका सपोर्ट आ जाता है, हर चीज़ टाइम पर सही जगह पड़ जाती है। हमको लग ही नहीं रहा कि इंदर हमारे साथ नहीं, सच्ची बता वो आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिगरेट पीने के साथ वहाँ खड़ा होगा, वापस आने वाला है अभी। तो अभी तक हमारे लिए वो मेमोरी है, हम उसको अंदर ही खुश हैं कि नहीं इंदर हमारे आसपास ही है। इम्पोर्टेंट बात ये कहते हैं कि भाई इंसान की आखिरी जो ख्वाहिश होती है, इंदर की आखिरी फिल्म थी, उन्होंने एक से एक फिल्में की हैं, एक से एक ज़बरदस्त फिल्में की हैं, सारी सुपरहिट फिल्में हैं, सब लोग जानते हैं, पूरी ऑडियंस जानती है, उनके फ़ैन फॉलोअर्स इतने, लेकिन इंदर आज हमारे बीच में नहीं है। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से सारे व्यूवर्स को, सारी ऑडियंस को, सारे उनके फ़ैन फॉलो करने वाले उनके सारे लोगों को, और इनफैक्ट इंडस्ट्री को लो कहना चाहता हूँ कि इंदर ने आज पूरी इंडस्ट्री में इतना काम किया है, सालों साल काम किया है, तो हमारी इंडस्ट्री प्लीज़ इंदर से अगर मोहब्बत करती है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें, और उसके जितने भी फैन फॉलोअर्स थे इंदर को बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको तो लगेगा। आज हम भी हमारे बीच में नहीं है वो, तो बहुत बुरी बात है। खैर, मैं तो बोलूँगी कि फैंस को थिएटर में जाइए, सीटी मारिए, पिक्चर देखिए और उसके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करिए, और लास्ट मूवी है तो इसके बाद शायद मतलब अब क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, जो पुरानी पिक्चरें हो जाएंगी उसी के थ्रू उसको देख सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम नॉट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। डेब्यू कर लिया है, शी हैज़ ऑलरेडी डन अ शॉर्ट मूवी कॉल्ड सनशाइन, इट्स अबाउट एन ऑर्फनेज चाइल्ड एंड शी इज प्लेइंग दैट ऑर्फनेज चाइल्ड हु इज एन HIV चाइल्ड ऑल्सो, एंड just came along her way and I think she's talented like her father. Maine expect nahi kiya tha, but then she's very natural. So I would request all of you to go on YouTube and type sunshine and watch my daughter as well. Ye Phati Padi yaar mein mera naam Anjana Das hai, aur isme hum teenon female one of the lead hai, aap keh sakte hain supporting hai one of the lead, kyunki hum teenon ka major role hai usme. To usme main as a squad girl bani hu, to इंदर सिंह से काम करना अच्छा लगा और बहुत ही कंफर्टेबल, बिकॉज जो हमारे सीन है वो अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि मे बी शायद कोई और एक्टर होता तो उसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते थे, बट इंदर जी ने इतना कंफर्टेबल करने को सीन करा है, सो अच्छा लगा काम करके, और सुरी जी को गुड लक। जब मैंने ये मूवी करी थी सो इट वॉज नॉट लाइक माई डेब्यू मूवी, दैट वॉज माई थर्ड मूवी,
जब ये मूवी करी थी तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो खुद में ही एक बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अलग अलग चीज़ों पर मूवीज़ बनती हैं. बट जैसे कि वी आर एस्पायरेंट्स एंड वी रियली वांट टू बिकम अ गुड एक्टर इन इंडस्ट्री, और जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं काफ़ी नई थी, तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट ही बेस्ड था एक्टर्स की लाइफ पे. तो सबसे पहले उस स्टोरी ने मुझे अट्रैक्ट किया. दूसरी बार ये तो होता है जब आप कानों से कोई चीज़ सुनते हैं, दूसरी चीज़ आती है आपकी आँखें, जब आप लोगों से मिलते हैं और किसी के रूबरू होते हैं तो आपको इंसान का व्यक्तित्व पता चलता है बात कर कर. क्योंकि इंदर जी को हमेशा से बचपन से स्क्रीन पे देखा था, उनकी फिल्में इतनी फेमस थी, उनके गाने इतने फेमस थे, एंड वंस यू गेट अ चांस टू वर्क विद एन एक्टर दैट यू हैव सीन इन योर चाइल्डहुड, तो ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग होती है. फिर मैं पूरी टीम से मिली, डायरेक्टर से मिली, प्रेम सर उनके साथ में पहले एक मूवी कर चुकी थी तो एक कम्फर्ट जोन था. आई रियली वॉन्टेड टू वर्क इन दिस मूवी. और पल्लवी भाभी पूरा हमारे सेट पे एक फैमिली एनवायरनमेंट पूरा क्रिएटेड रहता था. प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, वी वर वर्किंग वेरी प्रोफेशनली, बट दो इन ऑर्डर टू यू नो टू बैलेंस द मूड एंड द फील, सो फैमिली एनवायरनमेंट वॉज देयर. तो ये मूवी ऐसे तो अपने आप में बहुत ख़ास थी ही, और सब इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे. हमारी मूवी रिलीज़ में थी, बट लाइक अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सडन डिमाइस ऑफ इंदर कुमार जी, थोड़ा वक्त लग गया रिलीज़ करने में. तो अभी इसलिए और स्पेशल बन जाती है क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म है, एंड लाइक आर एंटायर टीम मेंबर्स वी हैव गिवन आर लाइक लेवल बेस्ट एज फार एज दी हार्ड वर्क इज़ कंसर्न. वी हैव पुट आर हार्ट्स, बहुत मोहब्बत और बहुत खुलूस से पिक्चर बनाई है, तो ये बहुत स्पेशल है. और आज इतने दिनों बाद ये स्क्रीन पे आ रही है, सो ऑफ कोर्स बटरफ्लाइज आर देयर, एक्साइटमेंट इज देयर, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मूवी फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू. वेल, ये मेरी भी थर्ड मूवी है ऑनेस्टली. आई वॉज इन द खिचड़ी मूवी जो आई थी पहले, उसके बाद पैसा हो पैसा आई थी जो कि तमिल डब थी, जो हिंदी डब होके आई थी थिएटर्स में, एंड दिस इज माई थर्ड मूवी. बट दिस इज़ रियली स्पेशल फॉर मी एज यू नो आई वॉज वेरी स्मॉल, आई थिंक आई वॉज अ किड व्हेन आई सॉ इंदर्स फर्स्ट मूवी मासूम, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड हिज वर्क एंड आई लाइक्ड हिज वर्क सो मच. आई वॉज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट. सो वेल, आई हैव डन साउथ की थ्री मूवीज विद बिग स्टार्स लाइक श्रीकांत, विवेक. सो आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क, बट विद इंदर इट वॉज रियली स्पेशल क्योंकि मैं बचपन से उनकी मूवीज़ देख रही थी, मासूम और अक्षय कुमार के साथ भी खिलाड़ियों के खिलाड़ी, एंड आई रियली लव्ड हिज वर्क. एंड इट वॉज अ वेरी बिग एंड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि एक स्टार जिसने इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स की है, सलमान खान के साथ बॉन्डेड ऐसी मूवी की है, एंड आई एम गोइंग टू प्ले अ लीड अपोजिट हिम अलॉन्ग विद दीज टू ब्यूटिफुल लेडीज, एंड दैट्स द रीजन आई डिसाइडेड एंड आई चोज टू वर्क इन टू दिस मूवी. सो इट इज़ रियली वेरी मच स्पेशल फॉर मी. और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इंदर जी हमारे बीच में नहीं है, वरना मुझे ही लग रहा था कि वो इस मूवी को एक अनदर लेवल पे जाते, और जैसा कि आपने पहले भी पूछा था कि बिग बॉस पे जाएगी कि नहीं, तो मुझे पूरा पूरा यकीन था कि इंदर जी होते तो आज हम तीनों यहाँ भी होते और बिग बॉस के फ्लोर पे भी, मंच पे भी शायद पहुँच गए थे प्रमोशन के लिए. मैं सबसे पहले मेरी जान, मेरी दोस्त पल्लवी को बहुत कंग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ. हम लोगों का कुछ अलग ही सोलफुल रिश्ता हो गया है. आखिरी होली इंदर के साथ में हमने साथ में बिताई थी. टुलिप स्टार में हम लोग सब साथ में गए थे और बहुत मस्ती की थी, और इंदर इतना फुल ऑफ लाइफ, इतनी जानदार इंसान, और आई हैड्स ऑफ टू हर. फिल्म तो है ही, फिल्म बहुत अच्छी है. फिल्म अच्छी है कि नहीं है, इंदर की आखिरी फिल्म है, और जो भी इंदर के चाहने वाले हैं, जो इंदर से प्यार करते हैं, वो एक बार ज़रूर देखेंगे, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. बट इस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई है, एक अपने प्यार को, अपने सुहाग को, अपनी जान को किस तरीके से समेट समेट कर, जोड़ जोड़ कर ये पिक्चर थिएटर तक लेकर आई है, दैट इज़ हैट्स ऑफ टू हर. फिल्में बहुत बनती हैं, बहुत रिलीज़ होती है, हिट होती है, फ्लॉप होती है. आजकल का जो OTT मीडियम्स हैं, इतनी सारे प्लेटफॉर्म में, इतने सारे एपिसोड, इतनी सारी वेब सीरीज़ आप लोगों के पास में, दर्शकों के पास में बहुत चॉइस है चीज़ें देखने के लिए. पर यहाँ पर क्या है ना, भावना है. इट्स अबाउट इमोशंस, इट्स अबाउट कलेक्टिव जॉइंट एफर्ट्स. तो आपको, आप प्यार करते हैं तो एक बार
जाके थिएटर में ज़रूर देखिए। पर्सनली इंदर जी से काफ़ी अटैच था मैं, और उसी का जब उसकी लास्ट फिल्म थी तो एक मन में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटर के मन में सॉफ्ट करना आ गया कि पहले ये मुझे फिल्म एनी हाउ पब्लिक तक पहुँचानी है, दैट्स व्हाई आई चोज। पहली बात आज यहाँ पर हमारे इंदर होता हमारे साथ, बहुत खूबसूरत होता, और ये आज तक समझ नहीं आया कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब इंसान यहाँ होता है तब कुछ लोगों को वैल्यू नहीं होती है, जब वो चले जाता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, ये हकीकत है दुनिया की। और टाइटल है फिल्म का फटी पड़ी है, ज़िंदगी की हकीकत में बहुत सारी चीज़ों से फटी पड़ी है। प्याज का रेट 120, 140, 150 फटी पड़ी है, बजट का रेट, दाले का भाव फटी पड़ी है। इंसान ये जब जस्टिस लेनी होती है तो चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, आप लोग के मीडिया के माध्यम से, मदद से कहना पड़ता है जस्टिस दो, फटी पड़ी है। तो बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं ज़िंदगी की जिसमें फटी पड़ी है। रहा सवाल बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड के नाम पे सब अपना राशन, अपनी रोटियां सेकते हैं, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे वो किसी का भी मुद्दा हो, बॉलीवुड का नाम अटैच करके अपना टीआरपी, अपना आपका प्रचार। सो इट इज़ द रीज़न दिस इज़ ग्लैमर वर्ल्ड, और सबको ग्लैमर में आना है, शोबिज है ये, इसलिए ये कहा जाता है शोबिज ग्लैमर। इंदर को बहुत याद करते हुए मैं सिर्फ इंदर के लिए और पल्लू के लिए यहाँ आई हूँ, उनकी मिसेस के लिए। आज भी यकीन नहीं होता कि इंदर हमारे बीच नहीं है, एक अपने आप में एक कहीं ना कहीं एक जाके एक दुख ऐसा भी होता है कि क्यों नहीं है आज वो हमारे पास, क्यों नहीं है। इंदर को हमेशा बहुत काम करना था, इंदर को हमेशा बहुत मेहनत करनी थी, इंदर को हमेशा अपनी बीवी अपने बच्ची को बहुत खुश रखना था, इंदर को, पल्लवी रोना नहीं, मैं बात कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट क्राई बिकॉज ये दिस इज़ अ रियलिटी। तो मैं नहीं चाहती हूँ तुम ये मोमेंट इसको हम उनकी एक मेमोरेबल, एक प्यार वाली उसमें कहकर हम बात करें, ना कि हम उनको, हम रोएं कि उनको भी जाके उनको भी दुख ना हो, उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले और वो हमेशा, वो हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहे। और आप लोग सभी का प्यार, और मीडिया से ये विनती है कि जितना हो सके आप उनकी मिसेस को, इंदर के प्रोजेक्ट को, ये उनकी एक आखिरी प्रोजेक्ट जो था उसको जितना आप इसको हाइप कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये सभी के एक सोशल नेटवर्क में बोले या कहीं भी बोले जितना प्रचार हो कम है, क्योंकि एक यादगार एक भाई के बच्चे की, जो हमारा इंदर भाई था हमारा, तो नहीं रहा, तो उसकी एक यादगार आप लोग की तरफ से एक उनके लिए प्यार पेश हो जाए, ये कहना चाहूँगी। जबानी पुश करते थे, हमारे जबान और हमारी आँखों से हम बात करते थे, और डर था और इज्जत से, कितने प्यार और इज्जत से बात करते थे हम सीजन 4 में, यहाँ ज़्यादा प्यार और ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं। कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट? सिद्धार्थ शुक्ला हमारे फेवरेट हैं, शहनाज गिल हमारी फेवरेट है। और आपका प्रश्न ना हो उसके पहले मैं जवाब देना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ ये लड़ाई, ट्रॉफी की लड़ाई है शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की, और आसिम पीछे पीछे रेस में भाग रहे हैं। और कुछ मैं बोलना चाहूँगी, डॉली दी और मेरा रिश्ता बहुत यूनिक वे में बना, क्योंकि जब वो मिस हैपनिंग हुआ था इंदर के साथ, ही वॉज बिहाइंड द बार्स फॉर कपल ऑफ डेज, तो शी वॉज द ओनली वन फ्रॉम द इंडस्ट्री हु केम फॉरवर्ड, शी डिडंट इवन नो मी, वो सिर्फ जानती थी कि हाँ इंदर कुमार एक हीरो है जो अरेस्टेड हो चुका है, एंड शी मेट मी। और मेरा और डॉली दी का रिलेशनशिप इसलिए भी यूनिक है क्योंकि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो आई ओनली रिमेम्बर हर नंबर, एंड आई नो इफ आई कॉल हर एट 3 AM ऑल्सो शी बी देयर, क्या हुआ पल्लू, क्या 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 प्रॉब्लम है, एंड शी विल ऑलवेज बी देयर, यू नो। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरी पिक्चर का नाम फटी पड़ी है यार, क्योंकि डॉली बिंद्रा का जब भी नाम आता है ना सबकी फटी पड़ी रहती है, सो शी इज माई वेपन जिससे हर कोई डरता है, एंड शी इज अ वेरी वेरी पावरफुल वुमन, बच के रहता। और मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, आज डॉली जी तो हमारे से सीनियर है, आर्टिस्ट हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं वो, और आज जैसे ही इन्होंने इंद्र कुमार जी के बारे में इतनी अच्छी यहाँ पर दिल से इन्होंने स्पीच दिया है, ये उन्होंने दिल से दिया है,
और कहते हैं ना कि हर एक नारी बहादुर है, हर एक चीज़ों को लड़ सकती है, तो वो ना रह के भी हमारे बीच में ही है वो, क्योंकि इंडस्ट्रीज हम फिल्म में काम जब काम करते हैं और जब वो एक्ट्रेस में काम कर लेते हैं तो वो अमर हो जाता है, हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। आज इंद्र कुमार जी बार बार नाम आ रहा है, उनको याद कर रहे हैं हम लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप तो बड़े इतने बहादुर हैं, और डोली दीदी ने तो उनके बारे में इतना कुछ बोला, तो इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज हुए उनमें साथ में थे, जो इन्होंने बोला वो दिल से उनको श्रद्धांजलि दी है, और बहुत लव यू, थैंक यू सो मच, मुबारक हो आप सभी को, जितने कलाकार इसमें हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, अंजलि एक है यहाँ पर, अंजलि को बहुत बहुत मुबारक हो, अंजलि ने बहुत एक उम्दा रोल किया, बेहतरीन मुझे पता है, एक इतना मतलब चैलेंजिंग रोल किया है, और इतना गर्म रोल है, जरूर देखिएगा। देखिए फटी पड़ी है तो आजकल के जिस माहौल में चली हुई, तो हर एक इंसान की फटी पड़ी है, हर एक मामलों के अंदर फटी पड़ी है, इंटरटेनमेंट से लेके बहुत सारी चीज़ों में इंसान की फटी पड़ी है। और फिल्म हमने अभी स्टार्टिंग देखी है और रंजना जी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इसमें, अब लीड हीरोइन है, और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ऑलमोस्ट विशेष देने के लिए इस फिल्म के लिए आया हूँ स्पेशल, कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो और इंद्र कुमार जी इस बहाने फिर हमें याद आ जाए वो। हाँ जी बोलो, बस यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ थिएटर में मूवी देखिए, क्योंकि प्रीमियर तो हमने देख लिया है, सो मूवी समझ में आ गई, बाकी आप थिएटर में जाइए और देखिए, बस सबसे मेन है। और हम कहते हैं कि आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे, मीडिया से हम लोग बने हैं, तो बस यही चाहते हैं कि आप हमारे भी फ्यूचर में दुआ करो कि मेरी भी 2020 में दो फिल्में दोनों मिलकर रिलीज हो जाए, और लाग बहुत मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं ताज में पार्टी दूँ, तो सच में रही है ये बोल के जा रही हूँ। और आपने सब मिली, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग द फिल्म, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेनली टू पल्लवी, बिकॉज आई डोंट थिंक विदाउट हर एफर्ट दिस फिल्म कुड हैव सीन द लाइट ऑफ डे। एंड आज आई वाज जस्ट टेलिंग हर, एक थिएटर स्क्रीनिंग बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टुडेज डे देयर सो मेनी अदर, टू गेट अ थिएटर रिलीज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड फॉर इंदर पास्ड अवे, यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2.5 इयर्स, सो इट्स इवन मोर डिफिकल्ट, बट इट इज सो नाइस दैट शी इज मेड ऑल द एफर्ट टू गेट द फिल्म आउट, एंड यू नो शी सेड आई डोंट केयर वेदर इट्स अ हिट और अ मिस और अ फ्लॉप और व्हाटएवर, इट इज माय डिसीजन, एंड यू नो मेरे लिए बहुत ही पर्सनल है, क्योंकि I knew Inder and I knew Pallavi, and my son was very fond of Inder, and Omji, when he passed away 6 months later, Inder also passed away, so that was very traumatic, because both of us went through the same trauma, we're still going through, because you know you can't, but I can see what it is, and I'm enjoying the film. तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इंदर की last film है, please stop saying this, you know. इंदर हमेशा पर्दे में हम सबके लिए साथ में रहेगा, और वो हमेशा साथ में है, एंड इंदर एंड पल्ला इज़ लाइक अ फैमिली टू मी, एंड आई जस्ट केम फॉर हर, एंड इट्स फ्रॉम अ वेरी हैवी हार्ट, मुझे इसलिए ये बात सुननी नहीं है कि लास्ट फिल्म है, इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी एंड आई वेरी स्पेशल फॉर हर, एंड ऑडियंस से भी मैं यही कहूँगी कि इंदर ने बहुत मेहनत की है फिल्म बनाने के लिए, एंड मे बी I'm so happy and proud of Pallavi and all entire team कि उन लोग ने फिल्म कम्प्लीट की और फिल्म रिलीज़ की, जो इंदर की बहुत ही ख्वाहिश थी ये करने के लिए, बिकॉज आई नो लास्ट दिवाली में हम लोग जब साथ में थे वो बस ये पिक्चर की बात किया जा रहा था, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स कम्प्लीटेड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस, एंड मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जाके पिक्चर देखिएगा ज़रूर, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है, ऐसे भी बहुत लगती है, बट इन्होंने बहुत मेहनत की, आई नो, सो जस्ट टू सपोर्ट देम, जस्ट टू सपोर्ट इंदर के लिए, जो इंदर के फैंस हैं, ये फिल्म जाके ज़रूर 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 देखें, इट्स प्राइसलेस, यू नो मुझे पता है कि उसको कितना इमोशनली वो गई होगी, क्या है कि ये अभी वेरी इमोशनल हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली कभी जुड़े ही नहीं, हम लोग हमेशा पर्सनली जुड़े, और इंदर और मेरी तो मतलब लाइक शी इज मुझे क्लोजेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फ्रेंड यू कैन से, और आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू आर हियर, यू नो आई एम जस्ट सेइंग हैट्स ऑफ टू देम, दे कंप्लीटेड, मुझे पता है जब मैं फिल्म की डबिंग करती थी और मैं जब इंदर को मेरे साथ स्क्रीन पे देखती थी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, तो ये कैसे रहती है, गॉड इज़ देयर विथ हर, हर फ्रेंड्स एंड एवरी फैमिली सपोर्टिंग हर,
मैं बहुत कम मिलती हूँ बट माई प्रेयर्स एंड माई विश इज ऑलवेज विथ हर एंड ब्रावो एवरीबॉडी कंग्रेचुलेशंस एंड प्लीज प्लीज गो एंड वॉच दिस बिल्कुल सच कह रही हैं दीपिका जी अभी जो मैं बात समझ में आ रही ना वो ये आ रही कि जब इंदर की डेथ हुई तो हमको ऐसा लगा कि शायद जो दुनिया कहते हैं अब पिक्चर कौन देखेगा ये कौन करेगा वो कौन करेगा हम ठंडे पड़ गए थे और पल्लवी मैम उठा के हमारे बोलती थी नहीं ये हुआ ये हुआ ये हुआ तो हमें डर लगता था कि यार पल्लवी मैम का फ़ोन आएगा ये काम कर लें ये काम कर लें तो जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े ना तो आज हम उसका नतीजा ये देख रहे हैं कि हम खड़े होकर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे तो मैं थैंक्स बोलूँगा पल्लवी भाभी का दिल से कि शायद इंदर इनके मुंह में बात डाल के हमको बोलता था कि पिक्चर पूरी कराओ और देखना ये पिक्चर 100% थी उसको करनी थी और पल्लवी ने वो कंप्लीट की यही बहुत बड़ी बात है मतलब मैं वही बोल रही हूँ एज अ फ्रेंड मुझे इतनी तकलीफ होती थी तो उस वाइफ होने के नाते उस पर क्या गुजर रही होगी वो ही जान सकती है बट आफ्टर दैट ऑल्सो शी कम्प्लीटेड इट्स फैंटास्टिक इंदर के जाने के बाद मेरा बस दो ही एम था जो आई गेस अगर हर वाइफ का एम होता है वैसे ही अगर इस सिचुएशन में अगर कोई और भी होती मेरे जगह पर तो वो भी वही करती क्योंकि जो चीज़ है वो दो ही चीज़ अधूरा छोड़ के चला गया था एक जो वो बहुत प्रेशराइज रहता था जो अनवांटेड केस उसके ऊपर हो गया था तो जनरली अकॉर्डिंग टू लॉ आप जानते हो कि अगर डिमाइस हो जाता है तो केस फॉरवर्ड नहीं होता इट इज़ शट केस लेकिन आई हैड प्लीडेड इन फ्रंट ऑफ द जज इन सेशन कोर्ट कि भाई आई एम स्टिल अलाइव एंड दैट इज़ नॉट ट्रू व्हाट हैज़ हैपेंड सो आई वेंट टू हाई कोर्ट से वहाँ से भी क्लियरेंस मिल गई सो दैट वॉज वन एम ऑफ माइंड एंड दी अदर वॉज दिस मूवी सो विच ऑब्वियसली लास्ट मूवी अगर ऐसे डब्बा बन के रह जाती तो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ मैं सोचती कि काश थोड़ी ही मेहनत कर लेती तो शायद हो जाता तो करते गए सब एक दूसरे को धक्का मारते गए यहाँ मत गिरो वहाँ मत गिरो चैलेंजिंग बहुत था लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि लोग बोलते हो भगवान से प्रे करो तो हो जाएगा तो वो तो ऑलरेडी जाके वहाँ बैठा हुआ है तो वहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि भाई अब तुम लोग को ये करो देखो मैं आऊँगा पर्दे पर जरूर तो इंदर के फैन है जो जेन्युइनली फैन उनको तो ये फिल्म जाके ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज टेक्निकली दिस इज इंदर्स एज अ परफॉर्मर लास्ट फिल्म उसकी बहुत सारी फिल्म हमेशा हमारे साथ रहेगी बट यू ऑल मस्ट शुड गो एंड सी दिस और मैम सच्ची बात बताऊँ तो मैं मुझे ऐसे लग रहा है फील हो रहा है कि अगर ये फिल्म सच में कोई ध्यान से देखेगा ना तो जो बच्चे नए आने वाले हैं इंडस्ट्री में ये फिल्म देखेंगे ना और ऐसे परफॉर्म करके दिखाएंगे तो उनको इंडस्ट्री में आना चाहिए नहीं तो नहीं एक तरीके से ये एक कैप्सूल है कि इंदर की एक्टिंग देखो उसकी तरह काम करके दिखाओ तब इंडस्ट्री में आओ नहीं तो घर बैठ के दूसरा काम शुरू कर लो तो इस तरीके के लाइब्रेरी में पिक्चर जाने वाली है ऐसा हम फिंगर क्रॉस करके बैठे हैं कि ऐसा होने वाला है इंदर इज फैंटास्टिक एक्टर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग वेरी गुड फ्रेंड मेरी फिल्म में भी उसने बहुत अच्छा काम किया आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर इस फिल्म में भी एक घर की पिक्चर थी ये भी एक घर की पिक्चर है तो ऐसे ही आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी नो रिक्वेस्ट यू मस्ट गो एंड वॉच जाओ सिटी मारो एंजॉय करो मस्ती करो मूवी में ये फिल्म रिलीज हो रही है और प्रेम भाई ने बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट पे ये फिल्म बनाई है और जितने भी लोग मुंबई आना चाहते हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा ये फिल्म ज़रूर देखें क्योंकि ये कहावत है हिंदी में दूर के ढोल सुहावन उसकी एकदम हूबहू कॉपी है ये और घर से लोग बड़े बड़े सपने लेके आते हैं लेकिन हकीकत का जब सामना होता है तो ज़िंदगी कुछ और लेके खड़ी होती है तो जो भी यहाँ आना चाहे ज़रूर आए लेकिन एक तैयारी के साथ आए क्योंकि बिना स्विमिंग आए अगर आप पानी में कूदेंगे तो डूबेंगे ही डूबेंगे और ज़िंदगी में ख्वाब बड़े ज़रूर देखिए लेकिन उतनी मेहनत भी कीजिए बहुत मेहनत से बनी हुई फिल्म है सारे लोगों ने अच्छा काम किया है और प्रेम जी को मैं स्पेशल बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि उनका ख्वाब था ये फिल्म इंदर भाई के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा सारी टीम कमाल की थी And I wish everyone the very best. Thank you. मेरा रोल ये है कि ये जो जिंदगी से हताश हो चुके हैं इंदर जी इनको मैं पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा हूँ इनको समझा रहा हूँ कि जिंदगी जो है मरने से नहीं होती जिंदगी में कुछ बनूँ बस इसको मैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा हूँ इसको समझा रहा हूँ कि जिंदगी ऐसी जी जाती है मरने से जिंदगी नहीं बनेगी